हारमोनियम में कई सारी चीजें हैं। अब आप अपनी सिंगिंग करने वाले लोग तो जानते होंगे हारमोनियम को बहुत अच्छी तरीके से। जो लोग वैसे भी आवाज को और बेटर बनाना चाहते हैं, अपनी आवाज को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उनको कहीं हारमोनियम अगर उन्हें मिल जाता है तो हारमोनियम में ये कई सारी चीजें होती है। जैसे आपने ये जो नोट है दिखाओ, जो कैमरे में दिखाओ, नोट दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, हाँ वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये नोट एक दोबारा दोबारा ये तीनों मान लो आपने पकड़ लिए। एक्सरसाइज जो है ना आप तमाम तरीकों से कर सकते हो। मोबाइल पे भी आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं कानपुरा के, या कोई हारमोनियम है उसका, या कोई और सितार मिल गया, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, तो आप उस पर जाके भी रियाज कर सकते हो। मेरा कहने का सिर्फ अर्थ ये है कि आपको अपनी आवाज अगर सही करना है तो आपको खुद करना पड़ेगा, कोई आपके गले में वो दवाई डाल के गला बिल्कुल सही नहीं कर देगा। ठीक है, आवाज को बनाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, वॉइस एक्सरसाइज जरूर करें, उसी से ही आपकी आवाज बनेगी। आप जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, तभी मसल्स बनती है ना, गला भी तभी बनता है जब आप रियाज करते हैं। कुछ लोग बहुत ये जो नोट होता है मेरा मैच कर रहा है इससे, मैच कर रहा है। तो आपको यहां से यहां इन दोनों नोट्स पे काम करना है, जो बहुत डीप में है यानी कि मतलब बहुत ही नीचे वाला है, और जो खरज है जो हाई नोट्स है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, गले का रियाज करेंगे तो गले में आपके बहुत फायदा होगा। कुछ दिन लगेगा आपको कि बहुत दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, दो एक दिन गर्म पानी से गरारे करेंगे, मुलैठी को चबाएंगे, मुलैठी से गला साफ होगा, गले की नसें खुलेंगी। ठीक है, मेरे पास शायद मुलैठी होगी, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसी होती है मुलैठी। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं सर मुलैठी होती कैसी है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, मेरे पास पड़ी है, देखिए ये होती है मुलैठी, मैं ये लकड़ी है मुलैठी, ये एक लकड़ी होती है इसे मुलैठी कहते हैं, तो इसको थोड़ा थोड़ा निकाल के आप इसको खा सकते हैं और ये आपको मिल जाएगी। जो वो दुकान होती है ना गट्टू मल या पंसारी की कोई दुकान है वहां मिल जाएगी मुलेठी, आप बोल दो मिल जाएगी। आप इसको रखिए और हल्का हल्का इसको, इससे क्या होगा कि जो आपकी गले की बारीक बारीक नसें है वो खुल जाएगी, है ना, आप भी खाएंगे खा लेंगे। Thank you.